गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दिन है थर्सडे का और शाम का वक्त है। मैं जो है कपड़े सुखाने आई थी, बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, मतलब काले काले बादल आ गए थे। और कपड़े सुखाते सुखाते ना मैं देख भी रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कपड़े सुखाऊं और बारिश आ जाए, बट आजकल आपको पता ही है कि मौसम तो बहुत ज़्यादा ही धोखेबाज हो गया है। बहुत काला घना बादल आता है और जितनी स्पीड में वो आता है ना, उससे डबल स्पीड में वो कहीं चला भी जाता है। तो बारिश तो हुई नहीं थी, बस हाँ ये था कि ठंडी ठंडी सी हवा जो है ना वो चल रही थी। और आज मुझे काफ़ी सारे काम करने थे इवनिंग टाइम में, तो मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं किया, आज थोड़ा सा ही रेस्ट किया था। फिर बस बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेज दिया था और मैं अपना यहाँ देखिए अब आ गई हूँ एक्वेरियम को क्लीन करने के लिए। तो आज सुबह ही मेरे हस्बैंड बोल के गए थे कि इसका ना पानी चेंज कर देना, क्योंकि हर तीसरे दिन ना हमें ये एक्वेरियम का जो पानी है ना इसको चेंज करना होता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है ये पानी। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि नीचे ना इसमें पत्थर हम लोगों ने डाले हुए थे, तो ये पत्थर का ना कलर निकलता है, इस वजह से ये पानी ज़्यादा गंदा होता है जल्दी। वरना नॉर्मल अगर इसमें पानी रहेगा तो फिर तो ज़्यादा, मतलब 15 दिन में फिर चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो जब मेरे हस्बैंड जो है इसको क्लीन करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब बिल्कुल बढ़िया से। लेकिन मुझे तो आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक भी पेड़ हिल गया उसकी जगह से तो वो फिर मुझे बहुत सुनाएंगे, क्योंकि एक्वेरियम से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैंने बस उतना ही काम किया जितना वो बोल के गए थे, और पता है क्या, इतना करते करते भी ना एक पेड़ ना जो है वो उखड़ ही गया था वहाँ से थोड़ा सा, बट मैंने उसको फिर लगा लिया है। अच्छा, इस बार की जो हम फिश जो है लेकर आए हैं ना, ये फ़िश बिल्कुल भी नहीं डरती हैं, कोई सी भी फ़िश नहीं डरती है। मतलब मैं अगर इन पे फिंगर भी लगा लूँ ना, तो ये अपनी जगह पे ही रहती हैं, भागती भी नहीं है, ये इतनी फ्रेंडली हो गई है हम लोगों के साथ। तो हम लोग ना इनसे खेलते रहते हैं, स्पेशली ना इसमें एक ब्लू मून है जो अलग सी ही लगती है, नीली रंग की फ़िश, अभी आपको दिख भी रही होगी, देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब इसको आप टच भी करोगे ना तो ये भागती नहीं है। तो बस इधर जो है मैंने अपना जो भी क्लीनिंग का काम था एक्वेरियम का वो लिया है, और उसके बाद बारी आती है ये बर्तन वॉश करने की। तो लंच के बर्तन थे जो कि मैंने नहीं धोए थे, तो अभी जो है इनको भी मैं धोऊंगी और उसके बाद मैं करूंगी डिनर की तैयारी। अब यहाँ पर मुझे एक कमेंट की बात करनी है आप लोगों से, तो आप देखना कल के वीडियो में है भी वो कमेंट। तो एक किसी लड़की ने ही लिखा था कि दीदी मुझे ना आप पे बहुत तरस आता है। तो पहले मुझे लगा कि यार, मतलब ये शायद वैसी प्यार से लिख रही होंगी कि मुझे तरस आता है कि आप काम करते रहते हो, क्योंकि बहुत बार इस तरीके के कमेंट्स भी आते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद उस बंदी ने नीचे लिखा है कि मुझे आप पे तरस आता है, आपके घर तो खाने पीने का सामान भी नहीं है कुछ। तो भाई तब मैं समझी हूँ कि भाई साहब ये जो कमेंट था ना, ये सरकास्टिक कमेंट था कि मुझे, ये जो लोग हैं ना इस तरीके के, इन्हें किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी बात करनी है कि सामने वाला मतलब चिढ़ जाए। तो देखते, मैं खुद को, मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि ये बेचारी मेरी केयर कर रही है, इस वजह से ये मुझे बोल रही है। मुझे क्या पता था कि ये तो भाई बहुत पहुंची हुई चीज़ है, तो इनको मैं बहुत अच्छे से आंसर करूँगी अभी आगे। थोड़ा सा मुझे आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखानी है अभी आगे जो है वीडियो में, कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि मैंने कुछ शॉपिंग की है रक्षाबंधन के लिए। तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, तो जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको कुछ शॉपिंग दिखाने वाली हूँ अपनी। तो जैसे कि आपको पता है कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो मैंने थोड़ी सी चीज़ें जो है अपने लिए मंगाई हैं। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अमेजोन पे जो सेल है ना, अमेजोन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल जो है ना, वो लाइव हो चुकी है, 6 अगस्त से और 11 अगस्त तक रहने वाली है। और इस टाइम पे सेल से जब आप कुछ भी सामान लेते हैं ना, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिलता है। और क्योंकि सेल शुरू हो गई है ना, तो बड़े बड़े ब्रांड्स पे एक से बढ़कर एक ऑफर है। तो भाई जल्दी कीजिए, बिल्कुल भी देर मत करना, क्योंकि बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के साथ जो है आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो है इस बार क्या क्या खरीदा है। सबसे पहले तो आप मेरा ये कुर्ता देखिए, ब्रांड है वामसी, और जो साइज है मेरा कुर्ते का वो लार्ज है। ये कुर्ता बहुत ही खूबसूरत, देखिए पर्पल कलर का मैंने लिया है, और 3-4 स्लीव्स है। पूरा कैसा दिख रहा है आपको साइड में जो है पिक्चर शो हो जाएगी, और नेक कुछ इस तरीके का है इसका। और भाई ब्रांड का कुर्ता है और इतने अच्छे प्राइस में मुझे मिला है। तो अगर आपको भी लेना होगा तो लिंक जो है सारी चीज़ों के मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाके ना ये चीज़ें जो है परचेज कर सकते हैं लिंक से। और माय हॉल स्टोर जो है ना, वहाँ पर से भी आप जो है विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो ये कुर्ता है और ये बहुत ही खूबसूरत कुर्ता है, इसको आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, लेगिंग के साथ भी पहन सकते हैं, और डेली वेयर के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। पहली जो शॉपिंग है मैंने ये की है,
उसके बाद मैं आपको अपनी अगली शॉपिंग दिखाती हूँ। और ये मैंने स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट मंगवाया है। भाई मेरे पास आई शेडो पैलेट नहीं था, तो मैंने कहा चलो स्विस ब्यूटी का जो है मंगवा के देखते हैं। और बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ हो गई है, ये मुझसे गिर के और टूट गया है। मतलब जैसे ये आया ना और मेरे हाथ से एकदम से छूट गया ये, जिसकी वजह से ये टूट गया और मेरा सारा आई शेडो जो है ना वो बिखर गया है। बट मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये ना यहाँ पर से ये वाला शेड एकदम से नीचे गिर के टूट गया। मुझे बहुत दुख हुआ इसका, बट चलो कोई बात नहीं। खैर मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं और मोस्टली आप देखेंगे ना न्यूड शेड है इसके ये जो आई शेडो है, और बहुत ही अच्छा जो है पिगमेंटेड है। ये देखिए आप, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ये देखिए, और दूसरा शेड ये देखिए। तो ये बहुत 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 बढ़िया, ये देखिए कितने बढ़िया हैं, है ना खूबसूरत। तो ये आई शेडो पैलेट मैंने मंगवाया है, बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मुझे ये मिला है। मंगाए हैं आर्टिफिशियल इयरिंग्स, मुझे बहुत पसंद है बहुत ही ज़्यादा। तो ये इयरिंग्स देखिए आप, अब बेला की तरफ से है, ब्रांड मतलब बेला है इनका। और ये देखिए इतने खूबसूरत है ना, ये लग रहे हैं ना प्यारे। मैं आपको एक बार इनको पहन के भी दिखाती हूँ कि ये पहनने के बाद कैसे लगते, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये देखिए पहनने के बाद ये कुछ ऐसे लग रहे हैं ना खूबसूरत। आप इसको जैसे आपने कोई भी ड्रेस डाली है, वन पीस डाला है, उसके साथ भी जो है पहन सकते हैं बहुत इजीली। और इसके साथ ही जैसे कि आपने सूट डाला है, साड़ी डाली है, उसमें भी बहुत अच्छे से जो ये जाएंगे। और बिल्कुल लाइट वेट है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कानों में कि बहुत ज़्यादा भारी पहन लिया है। हैवी लुक है देखने में लगेंगे, लेकिन मतलब जब आप पहनोगे तो बिल्कुल नहीं लगेंगे। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। सारी चीज़ों का लिंक जो है ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। और ये इस तरीके से इसी के साथ ना मैंने एक पेयर और मंगवाया है इयरिंग्स का ही, जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आती है ना वो तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और उसका रीज़न ये है कि किसी भी सूट के साथ, किसी भी कुर्ती के साथ, किसी भी साड़ी के साथ, ड्रेस के साथ जो है ना एकदम से ये जाते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं, ये झुमके से मैंने मंगाए हैं, क्या बोलते हैं इनको, चांद वाली नहीं, चांद वाली तो दूसरी होती है। ये देखिए इसमें नीचे देखिए पर्ल लगे हैं, और ये पहन के ये भी बहुत खूबसूरत लगेंगे इस तरीके से। और देखो ये जो मैंने कुर्ती पहनी है इसके साथ कितने अच्छे से जा रही है। आपने वाइट कुर्ती पहनी हो उसके साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ इनकी पता है क्या होती है कि इनमें वेट नहीं होता है बहुत ज़्यादा, बहुत हल्के फुल्के से होते हैं। ये देख लीजिए, तो ये मैंने लिया है। और इस शुगर पॉप का ये लिप लाइनर मंगवाया है, जिसको कि मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया। मैं आपके सामने ओपन कर लेती हूँ इसको। और इसका जो शेड है वो पिंक है, पिंक शेड का ये लिप लाइनर है। शुगर पॉप के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, जो इसके मेकअप प्रोडक्ट होते हैं ना वो अच्छे होते हैं। अब इसको ये देखिए कुछ इस तरीके का है ये, और मैं इसको एक बार अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो वैसे तो मैंने लिपस्टिक जो है लगाई हुई ही है, लेकिन मैं इसको लिपस्टिक अभी मैंने लगाई हुई है ना वो मैट फिनिश वाली है, तो ना इसी के ऊपर इसको लगा देती हूँ। लग रही है ना खूबसूरत, ये वाला शेड है। और ये शेड तो आपको दिख ही जाएगा क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स जब बनाऊंगी तो ये सारी चीजें जो यूज करती हूँ मैं, मतलब जब मैं मेकअप करती हूँ। तो ये है मेरी शॉपिंग। तो ये थी मेरी शॉपिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जो भी चीज़ आपको परचेस करनी होगी सबका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके जो है परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे जो है वीडियो में बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी और सब्ज़ी बनाते बनाते करूंगी आपसे बात। तो हाँ मैडम, मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको मुझ पे तरस आता है तो देखिए तरस वरस आप ऐसे खाएंगी तो आपके तरस खाने से तो मेरा पेट भरने से रहा, क्योंकि
तरस जो है पेट नहीं भरता इंसान का, खाना जो है पेट भरता है। तो मुझे बस इतना कहना है कि मुझ पे तरस मत खाइए, जो भी चीज़ की आपको कमी लग रही है मेरे घर प्लीज़ आप उसको भिजवा दीजिए और मेरी मदद कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे ना मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। और अच्छे से ग्रॉसरी भिजवाना, और जो भी चीज़ आपको कमी लग रही है जो आप चाहती हैं कि मैं खाऊँ पीऊँ, तो प्लीज़ वो ज़रूर भिजवा देना मेरे घर। और अगर आपको मतलब मेरा नंबर वगैरह चाहिए ना एड्रेस, तो वो भी मैं आपको दे दूँगी। तो आप कॉमेंट ज़रूर कर देना कि आप जो है मुझे सारा सामान भिजवा रही हैं, आप अपनी तरफ से भिजवाएंगे तो ठीक है, और अगर मैं लिस्ट बना के दूँ तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। क्योंकि देखो आपके तरस खाने से मेरा कुछ नहीं होगा, मैं फालतू में कमज़ोर और हो जाऊँगी, क्योंकि खाने पीने की वैसे ही बहुत ज़्यादा कमी है हम लोगों के घर, तो आपको अब इस टाइम पर मेरी हेल्प करनी ही होगी। खैर, क्योंकि खाने पीने की कमी थी मेरे पास, तो देखो अभी मैंने सिर्फ तोरी ही बनाई है, क्योंकि मेरे पास कोई सब्ज़ी और रखी भी नहीं थी। और यहाँ पर जो है मैं फटाफट से आटा भी गूंद रही हूँ, और मुझे रोटियाँ बनानी है, तो आज बच्चों के लिए तोरी की सब्ज़ी और साथ में रोटी बनेगी। वैसे तो आज वंशिका के पापा का भी फ़ोन आ गया था ऑफिस से कि आज मैं भी जो है डिनर करने वाला हूँ, तो वो कभी कभी ही खाना खाते हैं, जैसे उन्हें ऑफिस जाते हैं ना थोड़ा सा ज़्यादा भूख लग जाती है तो फिर वो जो है खाना खाते हैं। ये ना मैंने इस बार भी आटे का जो है पैकेट मंगाया है 10 किलो का, तो मैंने बोला था वंशिका के पापा को जाने के लिए, लेकिन वही है कि वो चक्की तक जाना उन पे टाइम नहीं था, तो इतना वेट तो मैं नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने जो है ना ब्लिंकिट से ही जो है ये आटा मंगवा लिया है, लेकिन ये आटा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल मुलायम मुलायम सॉफ्ट सफ़ेद सी रोटियाँ। जैसे हाँ, सफ़ेद रोटी से मेरा मतलब कच्ची रोटी से नहीं है, है ना कि मतलब कलर बहुत अच्छा सा आता है रोटी के ऊपर, तो वैसी ही रोटी बनती है। तो बस मैंने इसको आटे को ना थोड़ा सा इस तरीके से गूंद के और थोड़ा सा सेट होने के लिए रख दिया था 10-15 मिनट के लिए, और बस 10-15 मिनट में आटा हो गया था सेट, और उसके बाद फिर मैंने बनाई गर्मा गर्म रोटियाँ। इवनिंग के टाइम पे ना आजकल मेरी रोटी वगैरह बनाने की हैबिट थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि बच्चों के लिए बनाती हूँ मैं तो उतना ज़्यादा नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन आज तो मुझे जो है इन तीनों के लिए ही खाना बनाना था, तो बस जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने बना के रख लिया था, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है। तो आज मैंने बोला कि मैं बना के रखूँगी, फिर आराम से जो है तुम लोग डिनर कर लेना। तो बस जो है यहीं पर रोटियाँ बनाते बनाते जो है इस वाले वीडियो का मैं करती हूँ एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।